अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जमात पंजम का जो रेमेडी पैक माशर चलूम का शुरू कर चुके थे, आज हम उसका सवाल नंबर 3 हल करेंगे। तो जल्दी से सफ़ा नंबर 24 खोल लें। हमारा सवाल नंबर 3 है, हुकूमत और रियासत की पढ़ाई करें, किताब के सफ़ा नंबर 37 पर जांच हल करें। तो आप लोगों ने जो हम लोगों ने सबक पढ़ा था हुकूमत और रियासत, उसकी पढ़ाई करनी है और सफ़ा नंबर 37 पर जो भी जांच दी गई है उसको हल करना है। तो बस सवाल नंबर 4 पे आते हैं। सवाल नंबर 4 क्या है? दर्ज ज़ैल सवाल के मुख्तसर जवाब तहरीर करें। नीचे कुछ सवाल दिए गए हैं, उसको जो है आप लोगों ने तहरीर करना है। ये तभी आप अच्छे तरीके से हल कर सकेंगे जब आप सबक हुकूमत और रियासत की पढ़ाई अच्छे तरीके से करेंगे। तो वफाकी हुकूमत क्या होती है, हम लोगों ने यहाँ पे बताना है। वफाकी हुकूमत, जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि वफाक क्या है, मरकज़ी हुकूमत। ठीक है, मरकज़ी हुकूमत तो क्या होती है कि जिसके तहत तमाम सूबे का वो निज़ाम चला रही होती है, तमाम इलाकों का निज़ाम चला रही होती है, इसी के पास जो है वो तमाम अथॉरिटी होती है, यही बजट जो है वो पेश करती है, जिससे के ज़रिए जो तमाम सूबे हैं वो अपने इलाके का, अपने सूबों का काम और अपने अमूर जो हैं वो सर अंजाम देती है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं वफाकी हुकूमत क्या होती है। वफाकी हुकूमत तमाम सूबाई और इलाकाई हुकूमतों को यकजा करती है। वफाकी हुकूमत पूरे मुल्क के अमूर को संभालती है। ये मुल्क के बुनियादी कामों जैसे मालियात, अमूर खारजा और दिफा वगैरह के लिए ज़िम्मेदार है। तो वफाकी हुकूमत जो है जिस तरह से पूरे मुल्क के जितने भी मामलात है उसको संभालती है, उसमें मालियात आ जाता है, अमूर खारजा यानी कि एक मुल्क का दूसरे मुल्क से जो है वो रबता और जितने भी मामलात है उसको तय करना और दिफा तहफ़ वगैरह फ्राहम करना जो है वो वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है। सवाल नंबर 2 है, हुकूमत के 3 हुकूमती सतूनों के नाम तहरीर करें। हुकूमत के 3 हुकूमती सतून यानी कि हुकूमत चलाने के लिए कौन से बुनियादी सतून है जिसके बगैर जो है वो हुकूमत नहीं चलाई जा सकती, और इन्हीं सतूनों में जो है वो तमाम ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो तकसीम की जाती हैं, जिससे जो है वो आगे अपनी ज़िम्मेदारियों को मुकम्मल करते हैं। तो सबसे पहले होते हैं वफाकी हुकूमत। वफाकी हुकूमत के हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं कि जैसे कि मालियात, अमूर खारजा, दिफा वगैरह के लिए जो वो ज़िम्मेदार होती है, इसी तरह सूबाई हुकूमत अपने सूबे से रिलेटेड जितने भी जो हैं उसके मालियात के मामलात और दिफा के मामलात, अस्पताल की सहूलत, स्कूल की सहूलत वगैरह, तालीम की सहूलत, ये तमाम जो हैं वो सूबाई हुकूमत की ज़िम्मेदारियाँ रहती हैं। फिर मुकामी हुकूमत में जो है वो एक इलाके की हुकूमत आ जाती है, जैसे कि हर इलाके का एक मेयर होता है, वो आगे जो है वो हमारे जितने भी मसाइल हैं उनको हल करते हैं, जैसे कि पानी, बिजली के मसाइल वगैरह को हल करते हैं। तो ये तमाम जो है ये तीनों वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और मकामी हुकूमत के 3 सतून हैं। और उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। शुक्रिया।